आज हम जानने जा रहे हैं कि नीट के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि NTA ने एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है। वो सोच रहे हैं कि नीट पोस्टपोन होगा नहीं होगा। तो पोस्टपोन होने की तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ज़रूरी है ताकि हम अपने सेंटर की जो है वो इंफॉर्मेशन ले सके, उसके बारे में पहले से तैयार रहे, वहाँ कैसे जाए या कितनी दूर है वो, हमारे जो लोकेशन है उससे कितनी दूर है, उस सब का आइडिया हमें पहले से मिल जाए एडमिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो आज हम जानने जा रहे हैं कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे गूगल क्रोम पे। ये हमने गूगल क्रोम ओपन किया। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपनी जो नीट ने हमें सॉरी NTA ने हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड की है, जैसे मैंने यहाँ टाइप किया है NTA NEET.NIC.IN, तो ये नीट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है प्रोवाइडेड बाय NTA। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ वेबसाइट है, ये वाला लिंक हमें ओपन करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2020। इस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीट यूजी 2020 की होल इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने ये सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। यहाँ हम न्यूज़ एंड इवेंट्स नीट के रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी जो वेबसाइट है, कोई भी नया लिंक या कोई भी न्यूज़ आती है तो वो वेबसाइट पे सबसे पहले पता चलती है हमें, बाद में कहीं यूट्यूब से या कहीं और से पता चलती है। तो इसको हमें जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि वो हमें इंफॉर्मेशन देगा तो तभी हम कुछ करेंगे वरना नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, बट ऊपर भी हमें यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड करंट इवेंट्स में या कैंडिडेट लॉगिन है। कैंडिडेट अभी लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि लॉगिन का टाइम तो पहले NTA ने हमें प्रोवाइड किया था, उसी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन इस पर लॉगिन अभी नहीं हो पाएगा। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वापस से पा सकते हैं। उसके बाद है डाउनलोड एडमिट कार्ड, हमें एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करना है तो हम इस पे जाएंगे। उसके बाद है एडवाइजरी रिगार्डिंग COVID-19 फॉर ऑल फंक्शनरीज, ये COVID-19 के रिगार्डिंग एडवाइजरी है, इसको हम चेक कर सकते हैं। पर अभी हमें चेक करना क्या है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड चेक करना है, यहाँ मैंने मेरा एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाल के रखा है, पासवर्ड डाल के रखा है। तो इन द सेम वे आप अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है XYZ, आपको पता होगा कि कौन सा एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो पासवर्ड फिल किया था उसी पासवर्ड को आपने यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ एंटर करनी है। यहाँ फॉर्मेट दिया गया है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद जो नीचे हमें कैप्चा दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी पिन, वो सेम हमें एंटर करना है। देन वी विल क्लिक ऑन सबमिट बटन, बाय दिस वे वी विल गेट अवर एडमिट कार्ड। इस तरह से हम अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको किसी भी साइबर कैफे से या कहीं से भी हम इसका प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हैं, जो कि हमें एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है और उस पे कोविड के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि हमें क्या लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में और क्या नहीं लेके जाना है।
और क्या आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, किस टाइम आप कौन सा टाइम आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, कब आपका एग्ज़ाम फिनिश होगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स जो है आपके एडमिट कार्ड पे ही आपको मिल जाएंगे।